मैं इसी पार्लियामेंट के हलके से किसी एक जलसे से वापस जा रहा था तो एक जगह पर कांग्रेस का इसी जलसा चल रहा था। मेरी गाड़ी ऐसा कहीं रुक गई तो मेरे खिलाफ कोई बक रहा था कांग्रेस के डाइस से, तो हमारे जिस्म में भी तेजाब की है, हम भी गोश्त खाने वाले हैं, छोटे का खाते चिकन भी खाते और जो लीगली बड़े का है वो भी खाते, लीगली इलीगल नहीं, इलीगल खाते होंगे आप लोग, मेरे को नहीं, मैं लीगल खाता हूं। तो मैं बोला अच्छा हमारा नाम लिए, मैं गाड़ी से उतर के ठहर गया, एक बच्चे को बोला था ले सेल्फी मेरी, अरे असद भाई जलसा छोड़ के पूरे भाग के आ गए। ये इनका प्रॉब्लम है मेरे भाई, उस पार्टी का साथ मत दो जिसका कैप्टन कश्ती डूबने से पहले कूद के भाग गया। तुम उस गुलाम का साथ दो, तुम अपने उस भाई का साथ दो जो तुम्हारे साथ मर मिटने को तैयार है, जिसके दिल में सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं है। और अल्लाह जानता है मेरी इस कैफियत को, मेरा मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में दलितों को, वंचित को, मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए। और वो कैसे होगा? क्या बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी देगी? नहीं देगी, नहीं देंगे, ये कभी नहीं देंगे। याद रखो मेरी यहां पे इस बात, अगर महाराष्ट्र के असेंबली में मंदलिस के और वंचित बहुजन अगाड़ी के 25 से 30 एमएलए अगर इंशाल्लाह कामयाब होकर जाते हैं तो आप खुद सोचो क्या नजारा रहेगा महाराष्ट्र की विधानसभा का, कि अंबेडकर का नाम लेने वाले, गरीबों का नाम लेने वाले जा रहे हैं। तुमने देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ, मैं जैसा गया इम्तियाज अपना वोट ले लिए तो इम्तियाज बोले असद भाई अब आप जाएंगे, बोला देखो तमाशा, जैसा मैं गया तो इनको राम याद आ गए, बस पुकारना शुरू कर दिए। मैं भी लीगली बड़े का खाने वाला हूं, मैंने कहा पुकारो 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 खूब पुकारो, अगर मुझे देखकर तुम्हारे खुदा तुमको याद आ रहे हैं तो मेरी जिंदगी कामयाब हो। क्योंकि जब बॉस जाते हैं तो पुकारना पड़ता है। हम गए ओत लिए, उसके बाद हमने कहा आप सुनो, 100 सुनार की एक लोहार की, मैंने कहा जय भीम जय भीम, उसके बाद मैंने कहा अब ये भी सुन लो तकबीर, उसके बाद इन लोगों के चेहरे ऐसा सूख गए, ऐसा लग रहा था कि खून उड़ गया, बोले ये क्या करे, मेरा अब तो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, अब देखो 5 साल में क्या क्या बोलूंगा मैं अब। मगर मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहा हूं, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चाहने वाले हैं तो राम की जिंदगी को पढ़ो, और उसके तो 1% जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की खूबियां थी तुम अपनी जिंदगी में पैदा करो, तुम इंसान बन जाओगे, तुम इंसान बन जाओगे। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम का राम लेकर तबरेज को मार रहे हो, ये इंसानियत नहीं है, हैवानियत है। तुम राम को बदनाम कर रहे हो, तुम राम के भक्त नहीं हो, तुम राक्षसों के भक्त हो, तुम इंसानियत के दुश्मन हो। मगर इंशाअल्लाह ताला हम मुकाबला करेंगे। क्या आप हमारा साथ देंगे मेरे भाई? क्या आप अंबेडकर साहब का साथ देंगे? जरा वहां से हाथ नहीं उठ रहा, कांग्रेस का ग्रुप तो नहीं है ना? हाँ, अब आपका काम यह है मेरे दोस्तों कि दिलो दिमाग से खौफ को निकालो, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। एक 18 साल की बच्ची हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लात मार दिया और कहा कि मुझे अल्लाह काफी है, वो 18 साल की बच्ची हम तमाम को आईना दिखा रही है कि अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। और सियासी तौर पर
वंचित बहुजन अघाड़ी और MIM को मजबूत करिए। इंशाल्लाह ये पहला जलसा है कांग्रेसियों पापियों, फिर आऊंगा, अकबर को भी जाऊंगा, फिर आऊंगा।